तो दोस्तों इसके अंदर है पैसे छापने की मशीन। तो दोस्तों ओपन करते हैं और जल्दी से देखते हैं वो किस तरह से मशीन है। तो दोस्तों बस ओपन हो ही चुका है दोस्तों, ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है इसकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें पड़ा है दोस्तों मड़वा। तो सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक मशीन की अनबॉक्सिंग जो हमारे बीच आई है, तो उसके रिलेटेड हम वीडियो डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले मशीन दिखा देते हैं कि कैसी है। तो दोस्तों ये वाली जो मशीन है यहाँ पे हमारे बीच में है। तो दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है कि पोर्टेबल बैग क्लोजर। तो दोस्तों ये मशीन है जो बैग्स वगैरह होते हैं, बोरे वगैरह, तो उनकी सिलाई के लिए ये मशीन है। तो ओपन करते हैं दोस्तों ये किस तरह से काम करती है और दिखने में कैसी है और फंक्शन इसके कैसे हैं। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि किस तरह से इसे यूज करना है, तो इसको बाद में देखते हैं दोस्तों, पहले ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगाया गया है थर्माकोल जो कि शायद नीचे तक है। दोस्तों इसके अंदर जो मिला है हमको, एक मिला है पेचकश स्क्रू ड्राइवर और साथ में मिला है धागा जिससे हम बैग क्लोज करेंगे, जिससे सिलाई होगी। और उसके साथ ही दोस्तों ये है मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल है और बिजली से चलेगी, काम करेगी। दोस्तों इसको रखते हैं साइड में, अभी खोल के देखेंगे इसे कैसा है। और ये कुछ इसका पार्ट लग रहा है लेकिन किस तरह से फिट होता है या काम करता है ये अभी फिटिंग करेंगे तो तभी पता चलेगा। शायद इसके अंदर ये डालते होंगे, ये इस तरह से लगता होगा इसके अंदर ये। तो देखते हैं अभी इसे किस तरह से फिट करना है हमने। और साथ में एक बॉक्स मिला है दोस्तों यहाँ पे, ये जो स्विंग मशीन के अंदर जो पार्ट्स हैं और ये सारी इसके इसको खोलने के लिए जो है की हैं। और साथ में यहाँ पे निडल्स हैं सुई, और एक हमें मिला है ये कोई 10 नंबर की, और साथ में मिली है बोतल जिसमें हम ऑयल कैन है, इसको किस तरह से यूज करेंगे इस तरह से है ये। दोस्तों इतना कुछ इसमें से निकला है, तो अब हम इसकी फिटिंग करते हैं किस तरह से ये काम करेगा करके, ठीक है। थ्री, तो दोस्तों मशीन कुछ इस तरह से है ये, इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे ये एक्चुअली पता नहीं ये कहाँ से निकला पड़ा है इसका, ऑलरेडी आई थिंक यहाँ का होगा। तो इसमें कहाँ कहाँ फिटिंग होगा एक्चुअली कुछ समझ में एक्चुअली आ नहीं रहा है मेरे, कहाँ फिटिंग होता है इसका धागा। फिर क्या हुआ, फिर क्या। तो दोस्तों इस मशीन का यूज करेंगे, पूरी तरह से फिट हो चुकी है। तो एक बार मशीन का एक बार रिव्यू देख लेते हैं हम। तो मशीन का दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो है यहाँ पर है, ये प्रेस करेंगे तो मशीन चालू हो जाएगी। और दोस्तों तो यहाँ पे इसमें पंप दिया गया है जिसको हम 4 बार ऐसे अप डाउन करेंगे तो यहाँ से ऑयल होते हुए जो है ये पाइप के जरिए जो है यहाँ पे मशीन के अंदर जाएगा, ताकि इसकी सुई जो निडल है और अदर पार्ट जो आसानी से काम कर सके बढ़िया से। और साइड में जगह है दोस्तों यहाँ पे जो है हम रील फिट करेंगे और यहाँ से होते हुए इसको फिटिंग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए ये सुई तक जाएगी। तो दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं कि किस तरह से ये सिलाई करती है बैग्स की। दोस्तों यहाँ पे बैग पड़े हैं, इनको सिलाई करके दिखाएंगे हम कि ये किस तरह से काम करती है। तो इसमें पड़ा है दोस्तों मड़वा, तो मड़वे के जो बैग हैं इनको हम पूरी तरह से पैक करेंगे। तो दूसरा भी बैग मड़वे का है, तो दोस्तों इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इग्निशन ऑन हो चुका है, यहाँ पर से हमने स्विच से पावर ली है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं अच्छे से
ताकि हम सिलाई ढंग से कर सकें, और उसके बाद हम इसको चालू करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारी सिलाई ढंग से हो चुकी है और कट्टा पूरा सील्ड हो चुका है यहाँ पे, ये बढ़िया तरीके से। तो दूसरा भी करते हैं। तो दोस्तों पैक हो चुके हैं दोनों के दोनों हमारे बोरे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक करना।